हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू जगत सर फिजिक्स क्लास। एंड वी ऑलवेज से दैट द क्लास इज फाइनेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट, टुडे वी कम विद अनदर कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप मेरी बात ध्यान से सुन ले बच्चे पार्टी, कि ये जो कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारी पूरी फिजिक्स में जहाँ कहीं भी हम जाएंगे वहाँ अप्लाई होगा ही होगा। और बिलीव मी, इससे ईजी कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने इसको एक बार ध्यान से समझ लिया तो फिर आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि लास्ट टाइम जो हम पढ़ के आए हैं यहाँ पे, अब तक मैंने जो जो पढ़ा है एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चा पार्टी। हमने अब तक क्या पढ़ा है काइनेमेटिक्स के अंदर? हमने डिस्टेंस को पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा है, स्पीड वेलोसिटी उनके टाइप्स पढ़ाए हैं, एक्सेलरेशन पढ़ाया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को भी हमने स्टडी किया है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्री डिफरेंट वेज भी हमने देखे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड भी देखा है, और सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट रहा है हमारा अब तक वो रहा है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, ठीक है? तो आज मेरा जो टारगेट है वो है वेक्टर्स को कवर करना। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज इन आर नेचर। हमारी नेचर में फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की हैं? कितने तरह की हैं? दो तरह की हैं। कैसी? कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, एक ऐसी जिसके पास केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन उसके पास नहीं है। हमने ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज का नाम आज यहां पे दिया है, एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है वो स्केलर में आते हैं, इनके पास डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर्स में कौन आते हैं? वेक्टर्स में वो आते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी वेक्टर, है ना? अब देखो बच्चों, जब मैं बात करता हूं कि स्केलर क्वांटिटीज की, तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल बड़े ही कम हो जाते हैं। हमने एक लेक्चर, इससे पहला भी एक लेक्चर था जिसमें एक इंट्रोडक्टरी हमने पार्ट रखा था फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पे, तो उसमें मैंने काफी ज्यादा एग्जांपल्स दिए थे। आज एक बार फिर से मैं स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि टाइम है, ठीक है, सबसे पहले मैं वर्ड यूज करता हूं टाइम। टाइम के पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है? जैसे कि मास है, मास के पास भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि वर्क डन है, वर्क को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है? जैसे कि आपके पास है करंट, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? ऑल्दो it has particular direction but it is also counted under the category, that category is scalar quantity. इसको count करते हैं scalar quantity के अंदर। क्यों करते हैं इसको count? इसका सबसे बड़ा reason क्या है कि मान लो आपके घर के ऊपर से एक वायर आ रही है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर मैं यहां पे एक वायर रख दूं, लगा दूं और उसी से 10 एम्पियर का करंट फ्लो करे, तो क्या यहां पे रिजल्टेंट करंट कितना हो जाएगा? भाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि रिजल्टेंट करंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कोई करंट नहीं जाना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको क्यों कह बोलते हो कि दिस इज स्केलर क्वांटिटी एज दिस इज स्केलर क्वांटिटी एज इट डज नॉट ऑबे does not obey vector laws of addition, vector laws of addition, vector laws of addition. This is scalar quantity as it does not obey the vector laws of addition, so it is counted as a scalar quantity. Current. अब charge जो है, charge is equal to क्या होता है? Current into time. तो charge भी क्या है? एक scalar quantity है। अब पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो वो भी क्या हुआ? स्केलर हुआ।
तो ये आपके पास स्केलर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स हमने लिए। अब वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहले बड़ी जरूरत होती है कि वेक्टर की प्रेजेंटेशन हम कैसे देते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन पहले देखते हैं कि उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे देते हैं, उसके बाद हम उसकी बेसिक बेसिक बातें सीखेंगे, उसके बाद उसके को एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा, ठीक है, उससे पहले मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी वेक्टर को मान लीजिए ये एक क्वांटिटी है ए, ये वेक्टर क्वांटिटी यानी कि ये क्या है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर, ए वेक्टर के लिए क्या क्या सिंबल होता है, इसके ऊपर क्या लगा दो, एक एरो लगा दो। अब आप इसको कैसे पढ़ोगे, ए वेक्टर। अब अगर मैं इस एरो को तोड़ दूं, इसको ब्रेक कर दूं, तो एक आता है इसमें लाइन और दूसरा आता है इसमें क्या कैप, एक आता है इसमें लाइन और दूसरा आता है इसमें क्या कैप। लाइन का मतलब है यहां पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, और कैप का मतलब क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन को, डायरेक्शन को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले का नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका नाम क्या है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले का, इसका नाम है यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर। तो दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली। यूनिट का क्या मतलब होता है, जिसका मैग्नीट्यूड वन है, वन को चाहे आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे किसी से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिट वेक्टर के बारे में क्या लिखोगे, दीज आर दोज वेक्टर्स, दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड एंड देयर वर्क इज ओनली टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, रिप्रेजेंट डायरेक्शन, इनका काम केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। यानी कि अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो आप मुझे क्या कहोगे कि ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ऊपर लाइन लगा दी मैंने, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को आप सिंपली सीधा भी लिख सकते हैं ऐसे ही एज इट इज। अब आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, देखो बच्चों हमारे पास अगर मैं थ्री डायरेक्शंस की बात करता हूं, भाई मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले थ्री वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं, देखिए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में थ्री यूनिट वेक्टर्स हम कंसिडर करके चलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, एक्स y and z आर म्यूचुअली perpendicular टू ईच अदर। भाई अगर मैंने कुछ इस तरह से दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, अलोंग x एक्सिस वी हैव टू कंसिडर i कैप एज द यूनिट वेक्टर, एंड अलोंग y एक्सिस वी हैव टू कंसिडर दिस इज j कैप, अलोंग z एक्सिस वी हैव टू कंसिडर इट इज k cap. Students, here I cap is unit vector along x axis. J cap is unit vector along y axis. And k cap is unit vector along z axis. Ab dekho students, x, y and z are mutually perpendicular to each other. So we can say I, j and k are also mutually perpendicular to each other. Okay students. Now thing is, ki agar mere paas maan lo ek physical quantity hai, bhai maan lo jiski value, jiska magnitude 5 hai. Agar main uske piche laga deta hu j cap, to iska kya matlab hai? Ki ek aisi physical quantity jiski value kitni hai 5 hai. उसकी डायरेक्शन कौन सी है, उसकी डायरेक्शन है y एक्सिस, उसकी डायरेक्शन कौन सी है y डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, मान लो आपको मैं एक वेक्टर दे देता हूं, एग्जांपल एक वेक्टर दे दिया मैंने a वेक्टर जिसका है i कैप माइनस 3 j कैप और हम ले लेते हैं
प्लस फोर के कैप, चलो मैं कंसीडर कर रहा हूं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, इसका मोड ले लेते हैं। देखिए दो दो खड़ी लाइन है, ये एम क्या है, किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई का कोफिशिएंट क्या है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे का क्या है माइनस थ्री का स्क्वायर कर दो, के का कितना है उसका स्क्वायर कर दो, इसका रूट ले लो, यानी कि वन प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन, यानी कि दिस इज रूट ट्वेंटी सिक्स, रूट ट्वेंटी सिक्स, ये इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो यानी कि अगर इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर आपको मैंने कितना दे रखा है, आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, और डिवाइड बाय कितना, रूट 26। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, आप यूनिट वेक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट दो तरह के वेक्टर हमारे पास हैं, एक जिसका नाम है पोलर वेक्टर और दूसरे का नाम है क्या, एक्सियल वेक्टर, ठीक है ना। पोलर वेक्टर का और एक्सियल वेक्टर में क्या डिफरेंस है कि पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर हैं जिनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। और एक्सियल का क्या मतलब होगा कि जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करके चलेंगे, जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको एक्सियल के अंडर काउंट करते होते हैं। देखो ये चीजें बड़ी इजी हैं स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपेयर करते हो, थोड़ा सा रीड करने की जरूरत है आपको, अगर थोड़ा आप रीड कर सकते हो तो फिर ये टर्म्स आपके टिप्स पे आ जाएगी। मैंने क्या कहा कि मेरे पास वेक्टर है और वेक्टर में मेरी दो फॉर्म है, एक मेरे पास है पोलर वेक्टर एक है मेरे पास एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर एक मेरे पास है पोलर वेक्टर और दूसरा मेरे पास है एक्सियल वेक्टर। तो पोलर क्या है, दीज आर दोज वेक्टर्स, हां जी वेट, हाँ जी हमने क्या कहा कि पोलर, पोलर का मीनिंग क्या है, हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग ए स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग ए स्टार्टिंग पॉइंट, जिनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है उनको हम डालते हैं किसमें, पोलर में फॉर्म में डालते हैं। एक्सियल, एक्सियल का क्या मतलब है कि दीज रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो रोटेशनल इफेक्ट को शो कर रहा है वो एक्सियल में आता है। अब रोटेशनल इफेक्ट को कैसे, राइट हैंड स्क्रू रूल, यहां पे क्या लेना है आपको, राइट हैंड अब ये रूल कैसे वर्क करेगा आप देखिए। अब मान लीजिए आप जो रोटेशन की एक्सिस होगी वही वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, राइट हैंड थंब रूल लीजिए। तो राइट हैंड थंब रूल, थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ किसका, वेक्टर। तो कर्ल ऑफ फिंगर, कर्ल ऑफ फिंगर कहां जा रही है, ऐसे, कर्ल ऑफ फिंगर ऐसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये डायरेक्शन किसकी है, ये एक्सिस जो है यहां पर किसको रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। यहां पे रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। और ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब देखो इस चीज को आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, कैसे कि अगर आपने मान लो ये डायरेक्शन ले ली, राइट हैंड का यूज करना है, तो आपकी रोटेशन कहां हो जाएगी, फिर क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी आपकी, ऐसे क्लॉकवाइज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज एक्सियल वेक्टर ना, वी कैन से दिस इज एक्सियल वेक्टर, एक्सिस के अलोंग है तो एक्सियल वेक्टर, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज रोटेशन है यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, जब हम वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो इसके कुछ एक डिफरेंट डिफरेंट इस पे डेफिनेशंस बनती हैं, जैसे कि इक्वल वेक्टर, जैसे नेगेटिव वेक्टर, जैसे को इनिशियल वेक्टर, जैसे लोकलाइज, नॉन लोकलाइज, को प्लानर, को लीनियर। तो ये सारी की सारी कुछ एक हमारे पास डेफिनेशन है जिनके साथ हमें डील करना है। तो वो कुछ एक डेफिनेशन मैं लेके आ रहा हूँ अब, ठीक है। तो आपके सामने होंगे कुछ एक डेफिनेशन जो वेक्टर से जुड़ी होंगी। नेक्स्ट वी हैव द सम डेफिनेशंस इन वेक्टर, दैट इज इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर्स, को प्लानर, लोकलाइज्ड एंड नॉन लोकलाइज्ड। देखो स्टूडेंट, जैसे इनकी डेफिनेशन है वैसा ही इनका वर्क है। यानी कि यहां पे इक्वल का क्या मतलब है? इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, व्हाट इट मीन इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, इक्वल वेक्टर, ठीक है। इक्वल का क्या मतलब है? इक्वल का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एंड सेम डायरेक्शन। उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनका डायरेक्शन भी सेम है, तो वो इक्वल वेक्टर है। जैसे कि मेरे पास है यहां पे एक है पी वेक्टर, एक है मेरे पास क्यू वेक्टर। वन इज पी वेक्टर, अनदर इज क्यू वेक्टर। Both have same magnitude and same direction, then these two are equal vector. Negative में क्या होगा? Magnitude, two vectors are said to be negative if they have same magnitude but their directions are opposite. Two vectors are said to be negative if these have same magnitude but their directions are opposite, but their directions are opposite, opposite. उनकी directions कैसी हैं? Opposite हैं। उनका magnitude same है लेकिन उनकी direction कैसी हैं? Opposite हैं, तो वो negative कहलाएंगे। मतलब vectors में अगर negative आ जाए ना, तो सीधा सीधा इसका meaning क्या हुआ? उनकी direction opposite है, सीधा सीधा ये meaning, ठीक है जी। को इनिशियल, दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। इनका इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है। अब आता है कोलिनियर वेक्टर। ये ऐसे वेक्टर हैं जिनके बीच एंगल हमेशा जीरो रहेगा। दीज आर दोज वेक्टर्स, दीज आर दोज वेक्टर्स, इन बिटवीन देम एंगल इज ऑलवेज जीरो, एंगल इज जीरो। देयर मैग्नीट्यूड may be same or not, or not. इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है पी वेक्टर, दूसरा देख लो बिल्कुल छोटा सा वेक्टर है क्यू वेक्टर। दोनों के दोनों पैरेलल हैं, कहीं पे मिल नहीं रहे। या ये दो वेक्टर हैं मेरे पास, एक है ए वेक्टर, इसी की लाइन में जा रहा है कौन? बी वेक्टर। दोनों के दोनों सेम लाइन में हैं, एंगल दोनों के बीच कितना है? जीरो है। एक मान लीजिए आपके पास आर वेक्टर है, उससे अपोजिट जा रहा है एस वेक्टर, ठीक है। पैरेलल हैं दोनों के दोनों, ठीक है, पैरेलल हैं, अपोजिट जा रहा है, तो भी किस में आएंगे? कोलिनियर के अंडर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कोप्लैनर वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, लाइंग इन सेम प्लेन। जैसे कि मेरे पास ये प्लेन है, प्लेन टू डायमेंशन में होता है बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन,
तो यहां पे एक वेक्टर है आपका पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर, एस वेक्टर, ये सारे के सारे कैसे हैं, कोप्लैनर वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। यहां पे पी क्यू आर सारे के सारे कोप्लैनर है क्योंकि वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, लोकलाइज्ड, जिसके इनिशियल पॉइंट फिक्स हैं। जैसे यहां पे पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, दीज आर लोकलाइज्ड, ठीक है। नॉन लोकलाइज्ड जैसे कि यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये सारे के सारे नॉन लोकलाइज्ड हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट कोई भी फिक्स नहीं है। तो स्टूडेंट, अब हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी जिसमें इक्वल वेक्टर आया, नेगेटिव वेक्टर आया, को इनिशियल वेक्टर आया, को लीनियर आया, को प्लेनर, लोकलाइज्ड और यूनिट वेक्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट, अब तक हमने कुछ एक डेफिनेशन जो बेस होती थी किसका, वेक्टर का, वो हमने पढ़ी, काफी इजी है आई थिंक। स्टूडेंट टेक ए स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन। नेक्स्ट वी हैव द पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन। अब देखो बच्चों, पोजीशन का क्या मतलब होता है, मान लीजिए यहां पे हमारा कोई पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल है तो किसके अंदर है, ये प्लेन के अंदर है, एक्स और वाई प्लेन के अंदर है। इसकी पोजीशन इनिशियली हम मान लेते हैं, इसकी पोजीशन हम मान लेते हैं ओपी, पी पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन उसकी पी है, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सीधी छोटी सी बात यही है कि पोजीशन वेक्टर क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ कर दीजिए बच्चा, पार्टी ड्रॉ कर दिया आपने, ओरिजिन से आउटवर्ड उसकी डायरेक्शन रखी है, दिस इज द पोजिशन वेक्टर, से दिस इज आर वन, दिस इज द पोजिशन वेक्टर। यानी कि यहां पे ओपी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू आर वन वेक्टर, दिस इज पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर। अब मान लो मैंने इस पार्टिकल पे फोर्स लगाई, या किसी भी तरह से मैं इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस करके ले गया, P से Q, दिस इज अनदर पोजिशन Q, देन पी क्यू, दैट आई से दिस इज R वेक्टर, पी क्यू इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। अब उसका पोजिशन Q है ना, अगर हम ओरिजिन से इसको मिला दें ऐसे और ओरिजिन से आउटवर्ड डायरेक्शन कर दें, दिस इज अनदर पोजिशन वेक्टर, से दिस इज R2, then OP vector and OQ vector, that is R2 vector, this is another position vector। यानी कि यहां पे OP और OQ दो position vector हैं और PQ क्या है, displacement vector है। तो स्टूडेंट, position vector की जहां पे भी बात आती है आप सीधी सीधी बात कर सकते हो बिना घुमाए, सीधी बात आप कैसे करोगे, position vector क्या है, straight line distance from origin, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है कि आप इस प्लेन में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गए हो, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी रहेगा और कल के लिए हम करेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए हम करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, उनका एनालिटिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उनका एनालिटिकल ट्रीटमेंट और वेक्टर से जुड़ी हुई कुछ एक बातें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।